बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जैकब द लायर। ये कहानी शुरू होती है सन 1944 की शुरुआत में, जहां पर हमें पोलैंड दिखाया जाता है। पूरे पोलैंड पर अब जर्मनी का कब्जा है और इसी जगह हमें एक ज्यूइश लोगों की बस्ती को दिखाया जाता है जो चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई है। इन दीवारों के बाहर की दुनिया में क्या होता है यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था उसके बाद ही इन सबको इन दीवारों के पीछे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। यहीं पर हमें एक पॉलिश ज्यूइश शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैकब होता है। चारों तरफ कर्फ्यू का सायरन बज रहा होता है और जैकब उस दीवार को देख रहा होता है जिस दीवार के दूसरी तरफ इन लोगों ने कई सालों से कुछ भी नहीं देखा। और तभी वहां पर न्यूज़पेपर उड़ता हुआ आता है। जैकब उस न्यूज़पेपर को पकड़ने के लिए भागता है पर तभी उसे एक जर्मन सैनिक देख लेता और अपने सीनियर के पास भेजता है ताकि वो इस बात का जवाब दे सके कि वो कर्फ्यू के वक्त बाहर क्या कर रहा था। अब जैकब उस सीनियर ऑफिसर के रूम में जाता है जहां पर वो उस वक्त नहीं होता, पर रेडियो पर तभी एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि सोवियत की जो सेना है वो पोलैंड से अब मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जिसके पास उस सोल्जर ने जैकब को जवाब देने के लिए भेजा था। वो जैकब से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि अभी 8 बजे, कर्फ्यू का टाइम अभी नहीं हुआ। पर सोल्जर को लगता है कि मैंने रूल्स को तोड़ा है, 8 बज चुके हैं। जब ऑफिसर घड़ी में देखता है तो सच में 8 बजे होते और वो जैकब को कहता है कि तुम जा सकते हो। पर जैकब जब बाहर पहुंचता है तो वो गेट बंद हो चुका होता है जिससे वो अपने इलाके में जा सकता है। जैकब अब यहाँ पर फंस चुका है, इसीलिए पास ही के एक रेलवे स्टेशन पर वो चला जाता है जहाँ पर उसे एक छोटी ज्यूस लड़की मिलती है जो नाजी सैनिकों से छुप रही होती है। दरअसल इस लड़की की मॉम को यहाँ से नाजी सैनिक ले गए पर ये यहाँ पर छुप गई है। और अब जब जैकब को ये मिलती है तो जैकब किसी तरह से इसे ज्यूस के इलाके में ले आता है और अपने घर में छुपा देता है। अगले दिन जैकब काम पर जाता है। यहाँ पर सभी लोगों को काम करना पड़ता है जिसके बदले इन्हें कूपन्स मिलते हैं और कूपन्स के बदले इन्हें खाना, लेकिन यहाँ पर सबको इतना खाना नहीं मिलता कि सब अपना पेट भर सके। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग परेशान हैं, उनकी जिंदगी में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब जैकब काम पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर मिश्या नाम का एक ज्यूस जो कि वहाँ पर वर्कर है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जैकब उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए, बाहर हमारी जान को खतरा है। और तभी वो देखता है कि वहाँ से एक नाजी सैनिक उसी की तरफ बढ़ रहा है। वो तय करता है कि वो उस नाजी सैनिक को मार देगा, पर तभी जैकब उसे कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना है कि रशिया की फौजें यहाँ से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जल्दी वो इस जगह तक पहुँच जाएंगी। ये सुनने के बाद मिश्रा पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठती है। उसे लगता है कि अब शायद वो आजाद हो सकते हैं। वहीं अब वो सोल्जर यहाँ पर आ जाता है। मिश्रा हंस रहा होता है, वो सोल्जर उसे मार कर गिरा देता है। पर मिश्रा को अब लगता है कि जैकब के पास रेडियो है। हालांकि जैकब उसे मना भी करता है लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और इसके बाद मिश्रा यहाँ पर फ्रैंक नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फ्रैंक ही सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे माहौल में तुम शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, हमें कभी भी यहाँ पर नाजी सैनिक मार सकते हैं। मिश्रा कहता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, रशिया के सैनिक यहाँ से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर है, वो जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैकब के पास एक रेडियो है, उसने रेडियो में वो खबर सुनी है और अब सब ज्यूस लोगों को पता चल जाता है कि जैकब के पास रेडियो है जो कि सच नहीं होता। और यहाँ पर कोई भी रेडियो नहीं रख सकता क्योंकि रेडियो जिसके पास भी पाया गया ज्यूस लोग उसे सजाए मौत देते हैं। फ्रैंक के पास भी यहाँ पर एक रेडियो होता है जो खराब होता है और जब फ्रैंक को पता चलता है कि जैकब के पास रेडियो है तो वो डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि जब भी जर्मन की नाजी सेना कोई बात पता चलेगी कि यहाँ किसी के पास रेडियो है तो वो पूरे इलाके की तलाशी लेंगे जिसमें उसका रेडियो बरामद हो सकता है, इसीलिए वो अपने रेडियो को तोड़ देता है। वहीं अब पूरे इलाके में हर कोई जैकब से बात करना चाहता है, हर कोई उसकी इज्जत कर रहा होता है और हर कोई जानना चाहता है कि रूसी सैनिक कब तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जैकब सबको बताने की कोशिश करता है कि उसके पास रेडियो नहीं है लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको यही लगता है कि जैकब के पास रेडियो है, इसीलिए बार बार वो उससे युद्ध की खबरें पूछते हैं। जैकब पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि कल मैंने रेडियो पर रूसी संगीत सुना था। और ये बात भी पूरे इलाके में फैल जाती है कि जैकब ने रूसी संगीत को रेडियो में सुना था।
अब जब अगले दिन जैकॉब बाहर जाता है तो देखता है कि उसी के एक साथी ने आत्महत्या कर ली है। तभी वहां पर खड़ा प्रोफेसर कहता है कि ये बेवकूफ है, जब रूसी सेना इतनी नजदीक है तब इसने आत्महत्या कर ली। और इसके बाद जैकॉब से पूछता है कि रूसी सेना सच में आने वाली है ना। जैकॉब कुछ पलों के लिए सोचता है और इसके बाद वो कहता है कि हाँ, रूसी सेना सच में बहुत पास है और जल्दी वो यहां तक पहुंच जाएगी। दरअसल जैकॉब समझ चुका है कि सब के सब हताश हो चुके हैं, कोई भी जीना नहीं चाहता और अब उसके पास एक मौका है कि वो सबके दिलों में एक उम्मीद जगाए। इसीलिए सबको झूठी न्यूज सुनाना शुरू कर देता है कि रशियन सैनिक और भी आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी वो इस जगह तक पहुंच जाएंगे। वो पूरी तरह से जर्मन की सेना के ऊपर हावी हो चुके हैं और अब सबके दिलों में उम्मीद जागना शुरू हो जाती है। सबको यकीन हो जाता है कि जल्दी ये आजाद हो जाएंगे। वहीं जैकॉब के घर में जो छोटी लड़की होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैकॉब रात के अंधेरे में डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी दवा नहीं बची, बस हमारे पास एक ही दवा है और वो है तुम्हारी न्यूज। इसके बाद डॉक्टर जैकॉब के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं फ्रैंक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें लगता है कि जैकॉब और मिश्रा दोनों मिलकर अपना एक ग्रुप बना रहे हैं और वो नाजी सैनिकों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं और वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि ऐसा करने से सबकी जान खतरे में आ जाएगी। इसीलिए फ्रैंक अपने साथियों के साथ जैकॉब के घर जाता है ताकि वो रेडियो को ढूंढ कर नष्ट कर सके। पर तभी वो देखते हैं कि वहां पर जैकॉब और डॉक्टर आ चुके हैं, इसीलिए सबके सब छुप जाते हैं। डॉक्टर इसके बाद उस लड़की को देखता है और जैकॉब को बताता है कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिलाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है और अब फ्रैंक और उसके साथ ही जैकॉब के सामने आ जाते हैं। वो जैकॉब से कहते हैं कि अगर नाजी सैनिकों को पता चल गया कि तुम्हारे पास रेडियो है तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। यहाँ पर प्रोफेसर भी होता है। वो सबसे कहता है कि जब से जैकॉब ने यहाँ पर न्यूज सुनाना शुरू किया है किसी ने भी आत्महत्या नहीं की है। सबको समझ में आ जाता है कि जैकॉब की न्यूज की वजह से, रेडियो की वजह से सबके दिलों में उम्मीद जाग रही है और वो तय करते हैं कि एक बार और वो रेडियो पर न्यूज सुनेंगे, जिसके बाद वो रेडियो को तोड़ देंगे। पर तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है और सब यहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो लड़की जो जैकॉब के साथ रहती है वो उसे पूछती है कि सच में तुम्हारे पास रेडियो है, मैं उसे सुनना चाहूंगी। जैकॉब कहता है कि अगर तुम जल्दी ठीक हो गई तो मैं वादा करता हूं कि मैं रेडियो तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। अब अगले दिन जैकॉब जब काम से आता है तो उसे आज खाना नहीं मिला होता क्योंकि एक जर्मन ऑफिसर को हार्ट अटैक आया होता है। वैसे भी इनके पास खाने के लिए बहुत कम खाना होता है। और अब यहाँ पर वो लड़की भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और लाइट भी आ जाती है, इसीलिए लड़की कहती है कि मैं रेडियो सुनना चाहूंगी। पर तभी किसी के कदमों की आहट आती है। जैकॉब उस लड़की को छुपा देता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि जैकॉब के साथ कोई लड़की रहती है, क्योंकि ऐसा करना जर्मन सैनिकों की नजरों में एक गुनाह है, उसे सजाए मौत हो सकती है। अब जब वो बाहर जाता है तो वहां पर मिश्रा आया होता है। मिश्रा उसे कहता है कि मैं रेडियो सुनना चाहता हूं क्योंकि अब लाइट आ चुकी है। वो जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है और जब वो टेबल पर देखता है तो वहां पर दो प्लेट्स होती हैं। वो जैकॉब से कहता है शायद तुम यहां पर किसी को छुपा रहे हो। जैकॉब उसे कहता है कि मैं तुम्हें कल पूरा सच बताऊंगा। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। साथ ही अब उस लड़की को पता चल चुका है कि उसे जैकॉब ने झूठ कहा था, मिश्रा के पास रेडियो नहीं है। जैकॉब अपने झूठ को सच बनाने के लिए उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है और एक चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि तुम यहाँ से मत हिलना। और वो पीछे जाकर रेडियो की आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जिससे उस लड़की को लगता है कि सच में जैकॉब के पास रेडियो है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस भी करते हैं। अगले दिन जैकॉब सबसे छुप रहा होता है क्योंकि अब उसके पास और न्यूज बनाने के लिए नहीं है। वो पहली बहुत सारी झूठी न्यूज बना चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग खुद ही न्यूज बना रहे होते हैं। वो खुद ही बहुत सारी बातों को अज्यूम करके एक दूसरे को बताने लगते हैं, जिनसे उनके दिलों में उम्मीद और भी जाग जाती है। अब सब प्रोफेसर के घर में एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर ये तय करते हैं कि हम अपना लीडर चुनेंगे। ये सब के सब पर्चियों में लीडर का नाम अपने अपने वोट डालते हैं और सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं जैकॉब को, यानी कि जैकॉब अब इनका लीडर बन चुका है। पर तभी यहाँ पर मिश्रा आ जाता है जिसके पास गन भी होती है और वो जैकॉब से कहता है कि अब हमारा प्लान क्या है। जैकॉब कहता है कि हमें सिग्नल का इंतजार करना होगा, तब तक सबको मेरी बात सुननी होगी। और वो मिश्रा की गन भी उससे ले लेता है। अब यहाँ पर नाजी सैनिक आ जाते हैं, इसीलिए सबके सब छुप जाते हैं। दरअसल नाजी सैनिक के जो ऑफिसर हैं उनको हार्ट अटैक आया है और यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। प्रोफेसर की पत्नी उन्हें उनका बैग लाकर देती है जिसमें वो एक जहर की शीशी भी रख देती है। प्रोफेसर यहाँ पर नाजी सैनिकों के साथ चले जाते हैं। प्रोफेसर की पत्नी को पता है कि अब शायद उसके पति कभी भी वापस नहीं आएंगे।
वहीं प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो नाजी सेना के ऑफिसर के पास जाता है जिसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा होता है। प्रोफेसर उसका चेकअप करता है और उसे पता चल जाता है कि उसे एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। वो प्रोफेसर से कहता है कि तुम मेरा इलाज कर दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। प्रोफेसर कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम पूरे ज्यूस इलाके को खाली करके यहाँ से सबको उस जगह भेज दोगे जहाँ पर उन्हें मार दिया जाएगा। और अब वो ऑफिसर बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इलाके में किसी के पास रेडियो है, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। ये सारी बातें जानने के बाद प्रोफेसर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पीने का पानी मंगवाता है और जो जहर उसकी पत्नी ने उसे दिया था उसे पी लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब जर्मन ऑफिसर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि वो ज्यूस के इलाके में जाकर रेडियो को किसी भी कीमत पर बरामद करे। नाजी सैनिक वहां पहुंचकर पूरे इलाके की तलाशी करना शुरू कर देते हैं और कई लोगों को जिन पर उन्हें शक होता है उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और इसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि अगर रात तक वो आदमी सामने नहीं आया जिसके पास रेडियो है तो 10 लोगों को मार दिया जाएगा। और जैकॉब इस बात को सुन लेता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि तुम जिस सिग्नल की बात कर रहे थे वो क्या हमें मिल चुका है। इसके बाद वो उसे सारा सच बता देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसने झूठ कहा था और ना ही उसके पास कोई रेडियो है। इस बात से उसका दोस्त पूरी तरह से हताश हो जाता है। ये पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुका था और अब जब जैकॉब ने सारा सच उसे बता दिया है तो वो अपनी जान ले लेता है। वहीं जैकॉब के पास जो लड़की रहती है उसने जैकॉब की सारी बातें सुन ली होती है और अब उसे पता है कि जैकॉब के पास कोई रेडियो नहीं है। पर वो जैकॉब से कहती है कि आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और अब जैकॉब जर्मन्स के सामने चला जाता है और उन्हें बताता है कि वो मैं हूँ जिसके पास रेडियो है। इसके बाद जैकॉब को एक बार फिर से उसी ऑफिसर के पास भेजा जाता है जिस जर्मन ऑफिसर के पास वो इस कहानी की शुरुआत में गया था जहाँ पर उसने रेडियो सुना था। और वो उस ऑफिसर को बताता है कि मेरा रेडियो आपके ऑफिस में है और वो उसे पूरा वाक्य बता देता है कि किस तरह से उसने रेडियो पर न्यूज़ सुनी थी। और अब जर्मन ऑफिस को भी समझ में आ चुका है और वो कहता है कि तुम्हें सभी ज्यूस के आगे बताना होगा कि तुम्हारे पास कोई भी रेडियो नहीं है। इस बात के लिए जैकॉब मान जाता है। उसे ज्यूस लोगों के सामने खड़ा किया जाता है और उसे कहा जाता है कि बताओ सच क्या है। पर जैकॉब उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो सच कहने से मना कर देता। और इससे पहले कि वो अपने शब्दों में अपने लोगों को कुछ कहता उसे गोली मार दी जाती है जिससे जैकॉब की मृत्यु हो जाती है। वही मिश्या और फ्रैंक की बेटी जो कि अब उसकी मंगेतर भी है वो दोनों के दोनों भाग कर अब जैकॉब के घर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वो लड़की भी मिल जाती है जिसे जैकॉब ने अपने घर पर छुपाया था। लेकिन अब यहां पर जर्मन सैनिक पहुंच चुके हैं जो इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही इस पूरे इलाके में जितने भी ज्यूस लोग होते हैं उन सबको ट्रेन में बिठाया जाता है और यहां से उस जगह भेज दिया जाता है जहां पर उन सबको मार दिया जाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद उन लोगों को कभी किसी ने नहीं देखा। पर इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि जब वो 50 किलोमीटर यहाँ से दूर जाते हैं तभी वहाँ पर रशियन सैनिक आ जाते हैं जो ट्रेन को घेर लेते हैं और इन सब को बचा लेते हैं। और इस तरह से जैकॉब ने जो इनके दिलों में एक झूठी उम्मीद डाली थी उस उम्मीद के सहारे ये इतने दिनों तक जिंदा रहे और अब फाइनली इन सब की जान भी बच गई है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म जैकॉब द लायर की, जो कि एक सच्ची कहानी है। ये फिल्म ईयर 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।